तो क्वेश्चन क्या है देखना है, अधिक द्विघात समीकरण के मूल के योगफल एवं गुणनफल जो 1/4 और 1/4 दिया हो तो द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम चलते हैं द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के सूत्र से, तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और हनी जो है यह योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, योग गुणनफल जो है ना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 1/4 दिया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 दिया। तो चलना है द्विघात समीकरण से। ठीक है, सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, तो चलना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1/4, तो 1/4 दे देंगे। ठीक है, अब देखना इसको बराबर जीरो कर लेता हूँ, तो इसका नीचे एक्स स्क्वायर का कोई नीचे नहीं होता तो 1 होता। ठीक है, तो 1 है, इसको लघुत्तम ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, लघुत्तम ले लेता हूँ। यानी एक जो है 1/4 तो 4 बार काट दो, तो 4 गुना एक्स 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कम 4 कम एक बार में तो 1 बचा, तो एक बार में तो एक्स और प्लस ये एक बार में तो एक बार में। ठीक है, और माइनस इसके नीचे रहते इससे गुना हो जाएगा, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4x² माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 0 4 जो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी यही सूत्र हो, यही तुम्हारा। ठीक है, 4x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलना है।